जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। नर्मदे हरम। दोस्तों, नर्मदा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है लोक जीवन में शांति, इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए यह परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, आज मैं नर्मदा परिक्रमा करने के लिए आवश्यक जानकारी एक ही वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नर्मदे हरम। नर्मदा परिक्रमा मतलब वास्तव में क्या करना है? नर्मदा मैया का उद्गम स्थान अमरकंटक है। नर्मदा मैया अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलकर गुजरात के विमलेश्वर के पास अरब सागर में समा जाती है। इस साइट को दक्षिण तट कहते हैं और इस साइट को उत्तर तट कहते हैं। परिक्रमावासी अमरकंटक के उद्गम स्थान दक्षिण तट से मैया के किनारे किनारे पैदल चलकर विमलेश्वर पहुंचते हैं। विमलेश्वर के पास अरब सागर में नाव द्वारा 4 घंटे का सफर करने के बाद तट परिवर्तन कर मीठी तलाई उतरते हैं। मीठी तलाई उत्तर तट से पैदल चलकर अमरकंटक पहुंचते हैं। इस पैदल यात्रा को ही नर्मदा परिक्रमा करना कहते हैं। नर्मदा परिक्रमा का महत्वपूर्ण नियम यह है कि किसी भी हालत में नर्मदा मैया पार नहीं करनी है। नर्मदा मैया पार करने पर आपकी नर्मदा परिक्रमा खंडित हो जाती है। नर्मदा मैया की सहायक नदियां हैं जो नर्मदा मैया में आकर मिलती है, उन्हें भी पार करना आवश्यक हो तो केवल एक बार ही पार कर सकते हैं। अमरकंटक से अरब सागर तक दक्षिण तट की सीधी दूरी अंदाज से 1312 किलोमीटर है और उत्तर तट की दूरी भी उतनी ही 1312 किलोमीटर है। दोनों मिला के 2624 किलोमीटर होता है, लेकिन पैदल परिक्रमा जंगलों और पहाड़ों से टेढ़े मेढ़े मार्ग से होती है तो ये दूरी बढ़कर अंदाज से 3200 से 3700 किलोमीटर तक हो जाती है। प्राचीन काल से नर्मदा परिक्रमा पैदल ही की जाती रही है, लेकिन अब बहुत सारे लोग नर्मदा परिक्रमा कार या बस द्वारा, मोटरसाइकिल या साइकिल द्वारा करने लगे हैं, लेकिन पैदल नर्मदा परिक्रमा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पैदल परिक्रमा का फल भी बहुत ज्यादा मिलता है। परिक्रमा की शुरुआत कहाँ से करें? परिक्रमा 3 प्रकार से शुरू की जाती है। पहले प्रकार में नर्मदा मैया के किसी भी किनारे से परिक्रमा शुरू कर उसी किनारे पर परिक्रमा की समाप्ति की जाती है। दूसरे प्रकार में अमरकंटक से शुरू होती है और अमरकंटक में ही जाकर समाप्त होती है। तीसरे प्रकार में परिक्रमा की शुरुआत ओमकारेश्वर से होती है और ओमकारेश्वर में ही परिक्रमा की समाप्ति होती है। नर्मदा परिक्रमा समाप्ति के बाद नर्मदा जल ओमकारेश्वर में शिवलिंग पर चढ़ाना पड़ता है। नर्मदा परिक्रमा अमरकंटक में समाप्त हो या नर्मदा मैया के किसी भी घाट पर समाप्त हो, आपको ओमकारेश्वर में जल चढ़ाने जाना ही पड़ता है। इसलिए नर्मदा परिक्रमा ओमकारेश्वर से शुरू करें और ओमकारेश्वर में ही समाप्त करें। परिक्रमा की शुरुआत कब करें? नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी से ही की जाती है। चातुर्मास में परिक्रमा नहीं की जाती है, मतलब बारिश के महीनों में परिक्रमा नहीं की जाती है। नर्मदा परिक्रमा पूरी करने के लिए कितना समय लगता है? पैदल नर्मदा परिक्रमा परिक्रमावासी के शारीरिक सामर्थ्यानुसार पूरी होती है। कुछ लोग 3 महीने में पूरी कर लेते हैं, कुछ लोगों को 6 महीने भी लग जाते हैं। वाहन से परिक्रमा करने में 15 से 20 दिन लगते हैं। नर्मदा परिक्रमा में कितना खर्च लगता है? नर्मदा परिक्रमा में संकल्प पूजा और कन्या पूजन के लिए पंडित जी को दक्षिणा देनी पड़ती है। परिक्रमा मार्ग पर कढ़ाई यानी कि नर्मदा मैया को हलवे का भोग लगाया जाता है। सभी परिक्रमावासी मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं, तब आपकी मर्जी है तो आप पैसा दे सकते हैं। विमलेश्वर में अरब सागर में जब नाव से तट परिवर्तन करते हैं तो नाव वाले को पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए 5000 रुपया अपने साथ रखें। परिक्रमा मार्ग में भोजन और रुकने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, मुफ्त में व्यवस्था हो जाती है। अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो भी नर्मदा मैया आपकी परिक्रमा पूरी कर लेती है। नर्मदा परिक्रमा में रात में रुकने और भोजन की क्या व्यवस्था होती है?
परिक्रमा मार्ग पर कुछ जगह पर आश्रम में रुक सकते हैं। आदिवासी क्षेत्र में सेवाभावी व्यक्ति द्वारा बड़ी झोपड़ी टाइप आश्रम बनाए गए हैं, इसमें रुक सकते हैं। कुछ जगह पर मंदिर में सोना पड़ता है, कुछ जगह पर लोग अपने घरों में सुलाते हैं, कभी कभी खुले में भी सोना पड़ता है। परिक्रमा वासी को बना बनाया भोजन आश्रमों में मिल जाता है। कुछ स्थानों पर अन्न सामग्री दी जाती है, जैसे चावल दाल इत्यादि, जिसे सदा व्रत कहते हैं, जिसे परिक्रमा वासी को खुद को पकाना पड़ता है। कुछ स्थानों पर लोग घर में बुलाकर भोजन करवाते हैं। नर्मदा मैया परिक्रमा वासी को कभी भूखा नहीं सोने देती है। नर्मदा परिक्रमा मार्ग 3,700 किलोमीटर का है। इतने लंबे परिक्रमा मार्ग में पहले कौन सा स्थान आता है, पहला आश्रम कौन सा आता है, बाद में कौन सा स्थान आश्रम आएगा और आगे कौन सा आश्रम आएगा, इसकी माथा पच्ची करने की और टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप पहले जहां रुकते हैं वहीं पर आगे कितनी दूरी पर कौन सी जगह है और रुकने के लिए आश्रम कौन सा है आपको पता चल जाता है। इस तरह आपको आगे बढ़ते रहना है। नर्मदा मैया सब संभाल लेती है। नर्मदा परिक्रमा में कौन सी चीजें साथ लेकर जाए, बड़ा ट्रेकिंग बैग, आधार कार्ड, सफेद कलर का कुर्ता और सफेद लुंगी टाइप धोती, दो जोड़ी अंडरवेयर, दो जोड़ी जूते या चप्पल, चमड़े की न हो, खड्डे वाली थाली, ग्लास, पानी के लिए कमंडल, टॉवेल, हल्की रजाई, सोने के लिए योगा मैट या योगा मैट की साइज का फोम जो सोफा बनाने वाले के पास मिलता है, टार्च, रजिस्टर, पेन, गर्म कपड़े, सरदर्द, सर्दी जुकाम की दवाइयां, पूजा सामग्री, नर्मदा मैया की मूर्ति या फोटो इत्यादि जरूरी सामान साथ लेकर जाए। परिक्रमा की शुरुआत और समाप्ति कैसे करें? परिक्रमा की शुरुआत ओमकारेश्वर से करें। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का पहले दर्शन करें। दर्शन के बाद मांदाता पर्वत की 8 किलोमीटर की परिक्रमा करनी है। सबसे पहले मुंडन करें और परिक्रमा का सामान साथ लेकर गोमुख घाट पर जाएं। पंडित जी से संकल्प पूजा करें और अपने सामर्थ्य अनुसार 1, 2, 5, 21 कन्याओं का पूजन करें। पंडित जी से या किसी भी संस्था से नर्मदा परिक्रमा का सर्टिफिकेट अवश्य लें। बॉटल में नर्मदा मैया का जल भरें और पूरी परिक्रमा में साथ रखें और संकल्प के बाद सीधे परिक्रमा की शुरुआत करें। परिक्रमा समाप्ति के बाद ओंकारेश्वर में परिक्रमा संकल्प पूर्ति की पूजा करें और बॉटल का नर्मदा मैया का जल आधा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाएं और आधा जल ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाएं। दोस्तों, यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें।